भाइयों को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, बिना किसी वीडियो में फुटेज में आए हुए उनके खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभ्रतर की महिलाओं पर लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले क्या, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे किसी ने नहीं पूछा। एक तरफा जब दंगा हो तो क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे, हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। 13 साल 14 साल के बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो उन बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों का ढंग से चलना फिरना पढ़ना नहीं आता पुलिस को उनको गिरफ्तार करके, ये बच्चे दंगाई हो सकते? ये वतन हमारा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते, हम हमारे क्या मुस्लिम होने की ये सजा दी जाती है? हर बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम बच्चों को जेलों में भरा जाता है। मुसलमानों का ये वतन है, मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं, और आप लोग हम पे आतंकवादी का निशाना या आतंकवादी किए गए या दंगाई किए, हम लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, रहे और हमेशा रहेंगे, मुल्क हमारा था है और रहेगा। ये वीडियो देखा आपने, अगर ये महिला 3 तलाक पीड़िता होती तो अभी तक इसके साथ 4 BJP नेता खड़े होते और इसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे होते, इसके साथ खड़े होके फोटो खींचती, वीडियो बनते, मीडिया चैनलों में घूमती, और ये खबर होती कि इसके साथ तमाम बीजेपी नेता खड़े हैं और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो महिला है ये दंगा पीड़ित है, जो मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा हुआ था, और वहां पर ये इंसाफ की गुहार लगाए रही है और कह रही है जो इस पर जुल्म सितम हुए, जो वहां पर मुस्लिमों के साथ जुल्म सितम हुए हैं, उन तमाम बातों को सामने रख रही है, और इसके साथ ही बता रही है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने इनके साथ क्या किया है, सरकार इनके साथ क्या कर रही है, किस लिए इन पर एक्शन हुआ है। वीडियो फोटोज ना मिलने वाले लोगों को भी घर में घुस के उठा लिया गया है और उनको बंद कर दिया गया है। अगर आपने इस महिला की बातें नहीं सुनी है तो दोबारा सुनिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, जहां पर ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और विरोध कर रही हैं वहां के लोगों की गिरफ्तारी का, जो कि दंगों में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ये वीडियो। मुसलमान समाज के भाइयों को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, बिना किसी वीडियो में फुटेज में आए हुए उनके खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की गई, उसके लिए हमारे जो पुलिस ने अभ्रतर की महिलाओं पे लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले क्या, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे किसी ने नहीं पूछा। जब दंगा होता है तो दोनों समाज के लोग प्रताड़ित होते, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाया गया फिर जो उनपे जुल्म हुआ? एक तरफा जब दंगा होता क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे, जो सिर्फ मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया, हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। हम भाटवाड़ी मोहल्ले से थे, शाम के 5:30-6 बजे का टाइम था, हम हमारी नमाज और कुरान पढ़ रहे थे, जय श्री राम के हजारों लोगों की तादाद में वो नारे सुनाए गए। जब हमने हमारे घर के बाहर देखा तो हिंदुओं की भीड़ घुस रही थी, हमारे घर में पत्थरबाजी करी, पुलिस दोनों तरफ खड़ी थी डंडे लेके, उन्होंने कोई मदद नहीं। जैसे हमको मौका मिला हम हमारे घरों से भागे और आज 25 दिन हम हमारे घर से बाहर रहे। हमारे घर पे क्या हालात थे, हमारे घर पे क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता। 13 साल 14 साल के बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो उन बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों का ढंग से चलना फिरना पढ़ना नहीं आता पुलिस को उनको गिरफ्तार करके, ये बच्चे दंगाई हो सकते? ये वतन हमारा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते, फिर ये लोग हमें कैसे दंगाई बोल सकते हैं? हम हमारे क्या मुस्लिम होने की ये सजा दी जाती है? हर बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम बच्चों को जेलों में भरा जाता है। ये वतन से आज जो भी मुझे देख रहे वो लोग सुन ले, मुसलमानों का ये वतन है, मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं, और आप लोग हम पे आतंकवादी का निशाना या आतंकवादी किए गए या दंगाई किए कि हम लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, रहे और हमेशा रहेंगे, मुल्क हमारा था है और रहेगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन का है, जहाँ पर तमाम मुस्लिम महिलाएं जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि उन्हें छोड़ा जाए, और साथ ही ये बता रही हैं कि आखिर वहां क्या हुआ था। रमजान के दिन थे और लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, और उसी दौरान हजारों की भीड़ नारे लगाकर आती है और घरों में घुसती है, तब जाके लोग पत्थरबाजी करते हैं। वो महिला साफ कहती है कि अगर पत्थरबाजी नहीं करते, अगर हमारे हाथों में पत्थर थे तो क्या उनके हाथों में फूल थे? जब दंगा होता है तो दोनों तरफ से लोग पिसते हैं, लेकिन एक तरफ कार्रवाई क्यों? पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है, और जैसे ही ये महिला बता रही है कि उन बच्चों को उठा लिया गया है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, जो ना किसी वीडियो में है ना किसी फोटोज में है,
आखिर क्यों महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, क्यों पुलिस महिलाओं को घुटने के बल लिटाकर उन्हें डंडे मारे गए। इस महिला की बातें सुनिए जनाब और पूरी बात आप समझिए कि आखिर कैसे पुलिस और सरकार ने कार्रवाई की है। ये इस मामले को जानिए और तह तक पहुंचिए कि कैसे उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए। एक पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में और सरकार मात्र अपने एक बयान से वहां पर बुलडोजर चलवा देती है। अब आपने सोचा है कि क्या होगा इस परिवार के साथ, जिसका बेटा जिसका पति जेल में है, कौन चला रहा होगा इस परिवार का खर्चा, कौन उठा रहा होगा। ये महिलाएं सड़कों पर हैं और ना जाने कितने चक्कर लगा रही हैं। इनका परिवार चलाने वाला कौन है, इनका घर चलाने वाला कौन है, किसी का बेटा है किसी का पति है, उसका भविष्य क्या होगा, कहां जाएगा वो, कब तक जेल में रहेगा, कब बाहर निकलेगा और कौन इनका साथ देगा। ये तमाम पहलू हैं और तमाम मुद्दों पर हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खुशी का माहौल होता है, चाहे रामनवमी हो या ईद का मौका हो, खुशी का माहौल होता है, लोग त्यौहार मनाने में व्यस्त होते हैं और ऐसे में दंगे भड़कते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो इस खुशी के पल को, खुशी के दिन को डर का माहौल बना देते हैं, खुशी के दिन को डर में बदल देते हैं। अब लोग अपना त्योहार भी ना मनाएं, क्या चाहते हैं लोग या क्या चाहती हैं समझ नहीं आता कि कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं, कौन से समाज के वो असामाजिक तत्व हैं जो हर त्योहार को एक बदनाम करने में तुले हैं। त्योहार कोई भी हो, यात्रा कोई भी हो, बस उसमें एक डर आ जाता है कि आखिर अब ये होने वाला है। सोचने वाली बात है और ये इस पर काम करने वाली बात है। जब तक हम और आप समझेंगे नहीं कि आखिर ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और कौन से वो लोग हैं जो इसको करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, सवाल उठता है और सवाल के साथ साथ हमें और आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सरकारें हैं या सामाजिक तत्व हैं, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। जरूरत है हम और आप लोगों को जागरूक होने की और आवाज उठाने की। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोगों की आवाजें यूं ही दबाती चली जाएंगी, चाहे वो सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो। आप लोग आवाज उठाना सीखिए और हर जुल्म के खिलाफ अगर आवाज आप नहीं उठाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम पे अभी नहीं हुआ है तो अगला नंबर आपका होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। और जो आपके आसपास हो रहा है अगर गलत हो रहा है उस पर आप जरूर एक्शन लीजिए।